नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश की बालाघाट जिले की रामपायली से। सोनझरा से रेत अवैध उत्खनन ग्रामीण पहुंचे थाना। चोरी और सीना जोरी, यह कहावत रामपायली में चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही। वारासिवनी तहसील की रामपायली के समीपस्थ ग्राम सोनझरा में डोंगरिया निवासी मिथिलेश लिल्हारे द्वारा अपनी दबंगई से ग्राम पंचायत सोनझरा नदी से काफी दिनों से अपने ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन कर रहा, जिससे गाँव की सड़कों का हाल बेहाल तथा रात में अवैध परिवहन से ग्रामीणों की नींद भी खराब हो रही तथा ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर उनको डराने धमकाने का आरोप है। ग्राम के सरपंच बुद्धेश विसेन द्वारा बार बार समझाइश देने के बावजूद भी युवक समझने को तैयार नहीं तथा गांव वालों को डराने धमकाने मारने की धमकी देते हैं। सर से पानी निकल जाने के बाद सरपंच बुद्धेश विसेन के नेतृत्व में सैकड़ों ग्राम वासियों ने थाना रामपायली पहुंचकर थाना प्रभारी को आवेदन दिया तथा जांच कर दंडात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया तथा यह कार्यवाही नहीं होने पर एसपी कार्यालय तथा खनिज अधिकारी को भी आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुरुबाई कैनावत हुआ सरपंच। नाम सोनिया सरपंच गंज के नेतृत्व में आपने थाना आकर के किस प्रकार की शिकायत दर्ज की? कोई रेत भी जा रहा है, एक साल हो गया उसको कम करने बोलते हैं, चमकता ही बताता है, चमकाता है लोगों को। मैं इनको पैसे देता हूँ, दारू गुड़का खिलाता हूँ। है आप गाँव में हम लोग बैठते हैं, बोले विपक्ष से भी चुपचाप है, विपक्ष से भी चुपचाप है, विपक्षों को भी पैसा मिलता होगा। ये आरोप आपका विपक्ष की ओर है, लेकिन आप इस चीज़ को स्पष्ट करके ये बताइए कि वो रेत जिस जगह से निकालता है वो क्या घाट घोटित है? नहीं, घाट घोटित नहीं है, उसको खुदी पार कहा कि राइट की लाके देता है, मालूम रेत वाला। मतलब ये अवैध और अनलीगल तरीके से रेत निकाल रहा है। हाँ, अवैध और अनलीगल तरीके से। गुंडागर्दी बताता है, गुंडागर्दी दबंगई बताता है। पुलिस का कोई अंकुश नहीं है इस व्यक्ति पर? नहीं है। जी आपको सुनना। गौरी शंकर हरिंगड़े, पूर्व अध्यक्ष सोसाइटी रामपुर जी। किस बात को, जिस बात को लेकर आप सरपंच साहब के नेतृत्व में? हम सरपंच साहब के नेतृत्व में हैं और समस्त ग्रामवासियों के साथ इसलिए आए कि हमारे ग्राम तरह से अवैध रूप में रेत का परिवहन किया जाता है। परिवहनकर्ता जो है वो डोंगरिया का निवासी मुकेश लिल्लारे नाम का व्यक्ति है। उसको अनेकों बार इसके पूर्व में कम से कम एक साल से इस तरह का अवैध धंधा करते रहता है, और यदि पिछले कुछ दिन पूर्व भी उसको रोका गया था समस्त ग्रामीण वासियों के द्वारा। मैं बुद्धेश विषय हाल सरपंच द्वारा। ये बताइए, अभी आप किस पर्पज में पुलिस स्टेशन रामपनी गए थे? हम समस्त ग्रामवासी लेकर के पुलिस थाना इसलिए गए थे क्योंकि हमारे ग्राम सोनझरा में लगा हुआ चंदन नदी का घाट जी, और वहाँ से उस घाट, वो घाट स्वीकृत नहीं, जिला में उसका स्वीकृत नहीं हुआ, और उस घाट से लगातार डोंगरिया निवासी मिथिलेश लीला द्वारा एक वर्ष लगभग से लगातार दो ट्रैक्टरों से रेत निकाली जाती है जी, और उसको हमने एक दो बार तीन बार समझाई थी कि इंदिरा आवास वाले अगर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के उकवा से। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल उकवा में एक वर्ष से पीने के पानी की समस्या, शौचालय में लगा रहता है ताला। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एवं छात्र छात्राओं के लिए लाखों रुपया खर्च कर रही, किंतु कुछ अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शिक्षा के मंदिरों में पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार का एक मामला मायल लिमिटेड उकवा खान के द्वारा संचालित रविंद्रनाथ टैगोर विद्यालय में लगभग एक वर्षों से पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं तक कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों एवं विद्यालय के अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि पुराना शौचालय खराब होने के कारण दूसरा नया शौचालय निर्माण किया गया, किंतु उस शौचालय में ताला दिखाई दे रहा और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से
छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। बताइए सबसे ज्यादा काय की जरूरत है? पानी की जरूरत है यहाँ पर, पानी। अच्छा, कब से बंद पड़ा हुआ है? दो साल से पानी की समस्या है। पानी नहीं आ रहा है, तब से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कहता है? अच्छा, बच्चे कितने हैं सर? टोटल 187। ये बताइए कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? पहली से लेके पांचवी तक के 95 बच्चे। 95 पहली से लेके पांचवी तक, फिर उसके बाद अलग अलग देखें, अलग अलग पता नहीं, उसके बाद पता नहीं है। आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हो? आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हो? पांचवी। पहली से पांचवी। अभी क्या सुबह का लगा है? क्या सुबह की शिफ्ट लगी मतलब? अच्छा ठीक है। तो बच्चे, ये बताइए बच्चे कहाँ का पानी पीते हैं? पानी पानी लेकर आती पानी। अच्छा, ये जो बयान जो दे रहे हो अपनी मर्जी से दे रहे हो ना? हाँ, किसी के दबाव से तो नहीं दे रहे हो? कोई ऐसा नहीं है, बस क्या नल किसी के मतलब हाँ। किसी के दबाव से तो नहीं दे रहे हो ना? दबाव से नहीं है हाँ। पाइप फूटा हुआ है, उसको आए भी थे। वो जो भी है, पर ये पानी की समस्या है। ये बयान आप अपनी मर्जी से दे रहे हो ना? किसी के दबाव से तो नहीं दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कितने बजे का टाइम है स्कूल लगने का? 8:15 से लेकर 11:30 बजे तक सुबह। सुबह। अच्छा, ये बताइए नाम क्या है आपका? मैं महेंद्र कुमार नागेंद्र। कहाँ रहते हैं? मैं उकवा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 17। अच्छा, ये बताइए क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचर हूँ। कौन से स्कूल में? रविनाथ टाइगर विद्यालय उकवा। उकवा में, ठीक है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।